तो आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम एक एलजी कंपनी की टीवी को रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ऐसी है कि कस्टमर ने इसमें थोड़ी समस्या थी कि टीवी कभी ऑन होती थी तो कभी ऑन नहीं होती थी, ये समस्या थी। तो कस्टमर उसको बजाने लगा, मतलब इसकी बॉडी को ऐसे पीट पीट के काफ़ी तेज़ी से बॉडी को तोड़ डाला और साथ में सर्किट पे भी इफेक्ट गया है। सो ये छोटी सी समस्या थी लेकिन इसमें और भी समस्याएं हो चुकी हैं। तो हमने टीवी तो ऑन तो कर डाला है लेकिन अभी इसमें एक समस्या है जो काफ़ी लंबा आपको झिला सकती है, मतलब काफ़ी लंबा समय आपका तोड़ सकती है। तो मेरा भी समय कुछ गया इसमें और एक्सपीरियंस के नाते मुझे तो थोड़ा हो गया अनुभव, लेकिन आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए यह वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और आपके ज़्यादा काम आएगी वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नए नए वीडियो आपको देते रहते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी स्थिति, ठीक है, किस तरह से इन्होंने बॉडी को तोड़ डाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही अपनी टीवी जो है कि बैक साइड से, फ्रंट मैं आपको दिखा दूंगा फिलहाल। ये देखिए यहाँ पे ऐसा तोड़ा है कि इसका ये सब लॉक सिस्टम, ये देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक पूरा 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 लॉक टूट गया है। सारे जो लॉक सिस्टम थे ये इधर के तो गायब हैं, जैसे इस तरफ ये देख सकते हैं, इस तरफ ये बचे हुए हैं ना, उस तरफ से वो सब गायब हैं। और इसकी मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी देखिए कितनी डैमेज की है इन्होंने। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कितना ज़्यादा इस पर अत्याचार इस बेचारे बॉडी पर, ये देख सकते हैं बॉडी क्रैक हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ इतना ज़्यादा इस पर जो है कि पीटा गया है हाथ से, यहाँ पे देख सकते हैं ये टूट गया है, यहाँ पर भी ये टूटा है। सो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कि परेशान जो है कि ये टीवी किया, टीवी को जो है कि मतलब टीवी ने इनको परेशान किया और इन्होंने टीवी को। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है। तो समस्या इसमें थी कि इसमें जो है कुछ ड्राई सेक्शन थे जो मैंने सोल्ड किया और देख सकते हैं जो जो नई सोल्डिंग है, आपको समझ आ रही होगी नए नए सोल्डिंग जो की है। तो ये हमारी समस्या सही हो चुकी है और प्रॉब्लम जो है ऑन नहीं हो रही थी, सो ऑन होने लगी है, लेकिन अभी ये काफ़ी गंभीर समस्या है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर समस्या ऐसी क्या है कि जो आपको परेशान कर सकती है। जैसे कि मैंने इसको पावर लगा दिया और टीवी ऑन हो गई है, तो आपको टीवी के डिस्प्ले पर ले चलते हैं और टीवी की डिस्प्ले आपको दिखाते हैं। तो ये डिस्प्ले अपनी आ रही है, ये भी करेंगे इसको, तो ये भी होने के बाद और ऑडियो वीडियो लीड लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसका पिक्चर चल रहा है, देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो सेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा है कि इसकी सर्किट को पलटने ज़रा, क्योंकि अभी हमको इस तरफ करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर दिख पाएगा। एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा, वैसे नहीं पलटेंगे ना, ऑडियो भी आएगा तो अटक अटक के ऑडियो आएगा और वीडियो जो आ रहा है सो आ रहा है। तो ये हमने लगा दिया इसको पावर में और आपको थोड़ा क्लियर दिख पाएगा, तो क्योंकि आप अंधेरे में हैं और ऐसे उजाले में थे आप। तो लाइट आ जाओ यार, लाइट नहीं है लगता, पावर छोड़ दिया। ये प्लग नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे ही लगाते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसको लगा दिया पावर में और अब इसमें पावर आने ही वाली है बस।
एलजी कंपनी की टीवी रही और ऐसे सब कुछ ठीक है। फंक्शन वगैरह आप काम करना चाहें तो फंक्शन बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगा, देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट जैसे ये भी करते हैं, इसका ये नखरा देख सकते हैं आप, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसा देख के लग रहा है कि इसमें ये वीडियो सेक्शन का प्रॉब्लम है, और ऐसा फील होगा कि हम चलें अब डायरेक्ट वीडियो चेक करने। तो ये सब समस्याएं देखने को मिली हैं। तो फिलहाल इसमें ज़्यादा ये समस्या बड़ी नहीं है दोस्तों, आपको वीडियो सेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम दोस्तों बस इतनी सी है इसमें कि इसमें सही से ग्राउंड मतलब अर्थ नहीं मिल पा रहा है। सब सब कुछ ठीक है, बस इसमें ग्राउंड सही नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अभी कोई नए मैकेनिक हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो पाएंगे, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है वो तुरंत पता कर लेंगे कहाँ से है ये। तो कैमरा थोड़ा सा मैं सरका रहा हूँ, अपना दूसरी जगह कर रहा हूँ, तो ये चल रहा है और आपको दिखाऊंगा कैसे इसको हम जो है कि सही करेंगे। तो आपको इधर भी दिखाना पड़ेगा और उधर भी, दोनों तरफ। तो कैमरा कुछ ऐसा करते हैं कि आप दोनों तरफ देख पाएँ। तो सही से दोस्तों जो है कि आगे से लाइट आ रही है तो सामने से तो ऐसा जो है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कोशिश करके कि आपको मालूम हो जाए क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं बोल बताता हूँ आपको, आप सिर्फ पिक्चर देखिए। जैसे ही मैं अपना ये जो आरसी जैक है, इस आरसी जैक पे ग्राउंड रखूँगा और अपने डीटूएच पे ग्राउंड रखता हूँ तो वीडियो देखिए आ जाएगा। आरसी जैक पे दोस्तों वीडियो ग्राउंड रखने से नहीं आ रहा है, बल्कि कहीं और अगर हम अर्थ रखते हैं तो ये हमारा वीडियो सही चलने लग रहा है। सो आपने देखा, अब मैं आपको कैसे हो रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पीछे से कैसे मैंने किया। देखिए कैसे किया था, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा बॉडी अर्थ, यहाँ पर भी है, इसको भी ले सकते हैं अर्थ पे, कहीं पे भी इसको भी अर्थ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थ और सबसे अच्छा अर्थ ये आपका ट्यूनर, ठीक है, मेन मुख्य अर्थ, ठीक है। इस पे आप ग्राउंड रख के और D2H को ग्राउंड करिए। देखिए वीडियो आगे आगे कैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने किया क्या, यहाँ पे एक ग्राउंड रखा, यहाँ पे रख दें या फिर यहाँ पे रख दें, कहीं पे भी ग्राउंड एक रख दें, और ये अपना D2H है। D2H की स्क्रू में ग्राउंड रखें या फिर यहाँ पे ग्राउंड रखते हैं, तो ग्राउंड रखने पर जैसे रखते हैं जैसे ही हम, तो ये अपना प्रॉब्लम सही हो जा रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ फिर से, ये रुक नहीं पा रहा है। तो यहाँ आरसी जैक में रखेंगे तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ रखते हैं तो आ जा रहा है, क्योंकि ये आरसी जैक जो अपना है इसका अर्थ ख़राब है। इन्होंने इतना पीट दिया इसको कि इसका ये जैक ख़राब हो चुका है और इसमें से पिन टूटा हुआ भी निकला, मैंने निकाला था अभी। यहाँ देखिए यहाँ पर है, ये देखिए इसमें इन्होंने लीड भी तोड़ के रखी थी, दो पिन थे जिसमें ये इन्होंने तोड़ के रखी। तो ये अपनी समस्या आपने देख लिया, ऐसे ही सही हो जा रही है। थोड़ा दूरी रखते हैं आपको अपने बीच, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख पाएगा, देख सकते हैं ये सही है। इस तरह से मैंने चेक किया तो अपना ये आरसी जैक ख़राब है, और ये भी हो सकता है कि इसमें ग्राउंड टूटा है आप में, लेकिन हमारे में नहीं टूटा है क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया है, कोई भी ड्राइव ही नहीं है और फिर भी यह समस्या है। तो ये जैक अपने को चेंज करना है, सो ये प्रॉब्लम सही हो पाएगी इसी वजह से, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि आखिर जैक में ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से ये ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है हमारी जैक को, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको जो है कि इतना नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक करना जो है कि ना भूलें, और ठीक है तो हम मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो ठीक है, हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।